हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। ये है मेरे खीरे की बेल और नीचे मैंने ना टमाटर निकाले थे। यहाँ पे मेरे टमाटर जो यहीं घर के पास हैं, टमाटर ख़त्म हो गए। ये है मेरे कौशल के पास। ये देखिए, ये खीरा लग गया है, छोटी सी है। ये एक ही बेल है यहाँ पे, यहीं कौशल के पास है। तो देखिए सामने का मॉर्निंग व्यू। आज मैं थोड़ा लेट गई कौशल, तो धूप लग गई थी। देखिए धूप धूप के खिलने से कितना प्यारा लग रहा है। तो फिर आ गई थी मैं कौशल से, वापस आ गई थी। तो ये मैंने वो रात की ना दाल रखी थी भीगने, मेरा दलिया चना रखा था मैंने भीगना डाल के। और इसको मैं सिलवट्टे में पीस रही हूँ। मेरा ग्राइंडर ख़राब है, मतलब वो ठीक करने को है अभी। तो ये लगी मैं इसको पीसने सिलवट्टे में। तो आज मैं फिर से वही चीज़ बनाने जा रही हूँ। एक दिन भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, और लौकी के कोफ्ते। तो देखिए ये मैंने पीस लिए थे, और यहाँ पे अंशु साथ में प्याज और लहसुन लगी काट रहे हैं। तो इसको भी मैं इसी सिलवट्टे में पीसूँगी और फिर इसको मिक्स करूँगी। देखिए पीछे लगी मैं ये क्या बोलते हैं इसको, कद्दूकस करने कस कर रही हूँ उसको, लौकी को। तो थोड़ी सी आधी आधी क्या थोड़ी सी थी लौकी, और थोड़ी सी मैंने दाल डाली थी भीगनी, और इनको मैंने मिक्स कर दिया है। देखिए आप, और ये अंशु लगी सूखा मसाला सिलौटे के ऊपर डालने, और मैं इसको ना पीसूंगी अभी। तो आपके साथ मैंने शेयर किया है पूरी वीडियो। आप प्लीज़ वीडियो में बने रहे, स्किप मत करिए। मैं इस तरह से कोफ्ते बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हो तो आप भी मेरे को बताएं कमेंट बॉक्स में। और मैक्सिमम हिमाचल में, मतलब बाहर भी ऐसे ही बनते हैं, पर पता नहीं अब अपना तरीका होता है। आप लोग भी शेयर करो, और तब ताकि हम लोगों को भी पता लगे कि कैसे कौन सी चीज़ बनती है। गांव में तो ऐसे ही बनता है, जो होता है वो मतलब अवेलेबल होता है चीज़, उसी से ही बनाते हैं हम। ये देखिए, ये मेरा मिक्सचर हो गया था तैयार, और अब लगी मैं इसको मिक्स करने। इसमें मैं ना नमक हल्दी सब चीज़ ऐड कर दूंगी। फिर तड़के में मैंने आज इसमें कुछ नहीं डाला है। अंशु को ज़्यादा मसाला पसंद नहीं है, बोलती है इतना मसाले वाला खाना मत बनाओ। तो शुगर सूखा रहता है, ठीक अच्छा रहता है सेहत के लिए भी, ये बात सही है। तो ये देखिए, ये डाल दिया था मैंने तेल कढ़ाई में। इनको इसमें मैं ना ये चीज़ भूल गई थी, एक क्या बोलते इसको, बेसन या गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं आप, अगर आपके पास बेसन नहीं होगा तो। ये मेरे खुले खुले से बन गए थे कोफ्ते, उतने अच्छे नहीं बने। फिर मैंने इसमें फिर से बाद में ना ऐड कर दिया था गेहूं का आटा। मैंने आज मैंने गेहूं के आटे से ट्राई किया है। तो फिर आगे देखिए, ये वाला लोट अच्छा नहीं बना था, मतलब खुला खुला सा था, बुरा बुरा हो गया इसका, उतने अच्छे नहीं थे। और फिर डाला मैंने दूसरी बार, दूसरी बार बहुत अच्छी बनी थी। आगे मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। तो इसमें मैंने गेहूं का आटा डाला है आज। तो देखिए आप, बहुत अच्छी बनी थी सच्ची में। तो ये देखिए आप, तो अब उतने खुले ऐसे नहीं खुले कोई भी, मतलब एकदम से गोल गोल से बने, जैसे मैंने डाले उसी तरह से बनी थी। तो देखिए आप, ये लगे होने ब्राउन, और निकाल दिए मैंने, आप देख सकते हो। देखिए कितने प्यारे से, मतलब अच्छे थे। नमक मैंने इसीलिए डाला, इनको ना ऐसे भी खा सकते हैं, जैसे चाय के साथ, पकौड़े के साथ, पकौड़े की इसमें ले सकते हैं, या बिस्किट नहीं तो यही ले सकते हैं। कि बहुत अच्छे होते हैं अगर आप नमक मसाला मतलब सब चीज़ इसमें पहले ही मिक्स कर लोगे तो। ये क्या बोलते हैं, स्नैक्स स्नैक्स की तरह भी होते हैं खाने को, आप स्नैक्स की जगह भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए ये मेरा तीसरा लोट था, अब थोड़े से बच गए थे, मैंने फिर से डाले थे। और ये देखिए, ये थोड़ी सी बची थी क्योंकि तेल कम हो गया था, तो अब कम तेल में थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं तल सकते, तो कम ही था। तो ये भी कम ही बची थी। देखिए साथ में अंशु खाने लगी थी, और साथ में वीडियो बनाने लगी थी। इतनी क्रिस्पी बने थे, बहुत क्रंची क्रंची से, और टेस्ट ना बहुत अच्छा था सच्ची में। आप लोग ट्राई कर देना एक बार ज़रूर, और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना किस किसने। एक दिन भी मैंने डाली थी, और
किसी ने मेरे को बताया था कि मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। आई होप आप अभी भी वीडियो देख रहे होंगे, तो प्लीज़ आप बता दीजिए कि किस तरह से आपने आप बनाए थे आपने और कैसे बने। तो ये देखिए, ये हो गया लास्ट लॉट, थोड़ी सी बची थी मेरे पास, बस अब ये हो गया पूरा। तो इसको हम ब्राउन होने तक इसका वेट कर रहे हैं। और फिर मैंने इसी में तड़का लगा दिया था, फिर थोड़ी सी रात के दाल चावल भी बचे थे और चपातियाँ भी डाली थी मैंने, तो और थोड़ी सी मैंने इसकी सब्जी भी बनाई है, आपके साथ शेयर की है मैंने आगे। इसी में ही तड़का लगा दिया था, ये देखिए यहाँ पे मैं प्याज लगी थी काटने, और टमाटर काट लिए थे। आज मेरे पास दो तीन ही टमाटर कम थे, मतलब अब उतने पके नहीं है, मतलब लाल नहीं हुए हैं, हरे टमाटर तो बहुत सारे हैं। और मार्केट से मैं लाना भूल गई, आज मैंने इस तरह से ही बना लिया। कल तो मेरे पास वो भी नहीं थे क्योंकि मैं नीचे से कौशल के पास से लाना भूल गई थी, और फिर रात को कहाँ जाना, फिर रात हो गई तो मैंने ऐसे से ही दाल भी बनाई थी। तो आज ये सुबह सुबह मैंने टमाटर भी ला लिए थे, थोड़े दो तीन दाने थे, छोटे छोटे से टमाटर थे। तो आज मैंने ज़्यादा मसाला भी नहीं डाला, प्याज भी थोड़ी सी डाल ली है, और अभी तो मैंने सूखा मसाला भी नहीं डाला, मीठी भी मिर्च डाल ली है बस, और कुछ नहीं डाला मैंने इसमें। और ये देखिए आप, इस तरह से इसी में मैंने तड़का लगा दिया था फिर, और ये डाल दिया मैंने बेसन, थोड़ा बेसन भूनने तक हम वेट करेंगे। इसमें मैंने सब्जी ऐड कर दिया है टमाटर, जो जो बाल दिख रहा है ना ढक्कन लगा के चिकन चूल्हे के ऊपर, ये है मतलब इसमें मैंने आटा रखा है बन से। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद चपातियाँ बनाई है मैंने, पर आप शेयर नहीं की है। तो देखिए ये लगी बनने सब्जी, बस मैंने थोड़ा सा पानी है क्योंकि मैंने चपाती खाने को बनाई थी, तो बस 5-10 मिनट फिर हमारा खाना बन गया था। आ जाओ आप भी खाना खाने। ये देखिए ये है मेरी मम्मी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। न्यू व्यूअर मेरा होगा, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ये है मौसम का व्यू, थैंक यू।